और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेंगलुरु शहर की एक खबर के साथ। बेंगलुरु मेट्रो ट्रेजेडी में जान गंवाने वाली मां और उसके 2.5 साल के बच्चे की मौत के बाद भी प्रशासन एक तरीके से सबक नहीं सीख रहा है। न जाने और कितनी घटनाओं का इंतजार कर रहा है प्रशासन। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, हेन्नूर कोथनूर रोड पर झुका हुआ खंभा दिखाई दिया। ये कुछ इसी तरह से झुका हुआ है जैसे मेट्रो पिलर झुका हुआ था, जिससे हादसा हुआ था, जिसके गिरने से 2 मासूम लोगों की मौत हुई थी। ये झुके हुए खंभे को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ठीक इसी स्थिति में था जब मेट्रो का वो शेड, वो पिलर का वो शेड गिरा था, जिससे मां और बेटे की मौत हो गई थी। ये दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बेंगलुरु में किस तरह से लापरवाही की एक एक तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। लापरवाही प्रशासन की और जान, मासूम जो नागरिक है, मासूम लोग हैं, उन वो अपनी जान से हाथ धोते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस झुके हुए पोल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो खंभा है झुका हुआ उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रिस्की और जानलेवा ये खंभा है। किसी भी वक्त गिर सकता है और ये किसी के ऊपर गिर सकता है, तो क्या एक बार फिर से आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है प्रशासन? कई बड़े सवाल ये तस्वीरें जो हैं उनसे निकलकर सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो प्रशासन है उसकी तरफ से ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है, एक अजीबोगरीब कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें, जो प्रशासन है खंभे को, इस पोल को वहां से हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि आसपास आपको बता दें जो ट्रैफिक जाम है वो भी लगा हुआ है, तो बड़ी लापरवाही हो सकती है। और हमारी सहयोगी थोया जक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, क्या कुछ और जानकारी है थोया जक्षी से लेंगे। थोया जक्षी, इंस्टेड ऑफ अ सेफ सॉल्यूशन, द अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू रिमूव द पोल इवन एज व्हीकल्स कंटिन्यू टू मूव अराउंड इट। Shweta, absolutely, you know, finally these BESCOM authorities came here and they've removed the pole, whereas you can see that, and the pole has been removed, but they have left the pole over here itself. And also, you know, not only this pole is bent, but there are 2-3 poles that are bent in the same way. So the BESCOM has gone there also to remove those poles, but they have kept the poles over here, which is very dangerous. You know, anytime it can again, you know, come towards the roadside, and you know, they might be accidents that will happen. And you know, this is and also now that the BESCOM authorities are completely responsible for this very dangerous pole that has been completely bent over here. And also, you know, this is no lessons have been learned till now. When the pole was being removed, also the traffic was not being stopped. The vehicles kept moving while they were removing this pole, and you know, it was very, very much inconvenient for the public over here. Shweta, over to you. Right, Athoya Jakshi, किस तरीके से ये तमाम, आपको बता दें, जानलेवा जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं बेंगलुरु में। और थोड़ा जक्षी आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अभी वहां पर ट्रैफिक की स्थिति है, और इस तरीके से जो और भी पोल्स हैं, क्या उनको लेकर कोई प्लानिंग की गई है बीबीएमपी द्वारा, या ऐसे ही रहने वाले हैं? That's what Shweta, like I told you, you know, while they were removing this pole, the traffic was not stopped, that the vehicles kept moving, and also, you know, there were some vehicles which were, you know, stuck over here, the big vehicles like buses and trucks, and you know, the vehicles kept, they stopped because, you know, there was no place to move, because the BESCOM vehicle was standing right over here and they were trying to remove this pole and you know, see, they have left the pole right here only. And you know what, one thing I can tell you, that they have not even cut the pole properly. You can see over here, I will show you that, see, the pole is half cut, that's it. They have not even removed it properly. They have not even disconnected the wires also, and it is kept just like that. Right.
राइट है, तो अध्यक्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो बेंगलुरु शहर जिसे आईटी हब कहा जाता है, आपको बता दें वहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक मेट्रो का जो पोल था वो गिरने से मां और बेटे की मौत हुई थी। उसके बाद आपको बता दें ये एक खंभा, ये पोल आपको दिखाई दे रहा, हालांकि बिना ट्रैफिक को अवरुद्ध किए, बिना ट्रैफिक को रोके ही इस पोल को वहां से फिलहाल के लिए हटा लिया गया। और